हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा टेक्नोटेक 2M चैनल में। तो आप सभी को बता दें कि कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ इस तरह का पोस्टर डिजाइनिंग करने वाले हैं, जो देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी ब्यूटीफुल बना है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप सभी देख सकते हैं कि काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको PHP फाइल मिलेगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसका लिंक वीडियो PHP फाइल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस फाइल को अनजिप करने के लिए एक पासवर्ड मांगेगा, जो कोई इस वीडियो के माध्यम से 3 स्टेप का पासवर्ड मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ ही मिनट का वीडियो है, तो ध्यान से देखिए, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आपको बन जाएगा, ठीक है। तो अगर PHP फाइल ऐड करना नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ऐड करना है। PHP फाइल ऐड कैसे करें, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो आप बहुत सरस्वती पूजा का जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसमें भी बताया गया है किस तरह का, ठीक है। तो इसको समय बिना समय गवाते चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर पिक्सल ओपन कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि बनाने के से पहले कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप प्रेस बेल आइकन कर लीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसको बता दें कि हम लोग का एक एप्लीकेशन का आवश्यकता पड़ेगा, जो आसानी से प्ले स्टोर पर आसानी सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए पिक्सल लैब, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। उसके बाद से आपको फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करना है, फर्स्ट पहले आपको कि यहाँ से जो देख सकते हैं यहाँ पर 3 डॉट लाइन दिया है, यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते हैं, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर थर्ड नंबर जो दिया है, यहाँ पर जो थर्ड नंबर यहाँ पर दिया है ओपन द PHP फाइल। तो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को ओपन PHP फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर PHP फाइल ऐड कीजिएगा तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे अगर जहाँ भी आपको डाउनलोड कर रखे हैं वहाँ से आपको भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि अगर डाउनलोड ब्राउजर से कोई भी करते हैं तो अगर डाउनलोड आपको फाइल में जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने का उसको फाइल को इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप लोग क्या करना कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ के क्या करना कि एडिट करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, इस लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करते ही आपको देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज़ का लॉक किया गया है, ठीक है। तो आप सभी को इसको सारा चीज़ को लॉक पहले हटा लेते हैं, तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, किस तरह का क्या करना है। उसके बाद आपको बता दें कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़, अगर ये सब बैकग्राउंड चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको बता दें कि इसको पहले बता दें कि इसको तो एडिट करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं एडिट करना नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें कि अगर फोटो का खास करके एडिट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको क्या करना, हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर डिलीट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया है, उस पर क्या करना है क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करके उसको ओके कर दिएगा तो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा इमेज, और जो भी किसी भी इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर नेम चेंज करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नेम यहाँ पर दिया है, इस नेम को चेंज करना है, इस नेम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फिर से वहीं डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, या यहाँ पर डिलीट ना करके यहाँ पर क्या करना कि इस फंड का यूज करना चाहते हैं तो क्या करना कि इसी ए पर क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एडिट का ऑप्शन एक आ जाएगा यहाँ पर, उसको क्या करना कि यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, और एडिट पर क्लिक करते हैं आप सबको देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नेम को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखने के बाद से ओके पर क्लिक करना है, ऊपर क्लिक करते हैं आप सभी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से मन हिसाब से कलर रख सकते हैं। रहा बात इसको बैकग्राउंड यहाँ पर जो शेप दिया गया है, इस शेप को यहाँ पर देख सकते हैं, इस शेप को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी शेप है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये शेप भी देख सकते हैं यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फूल लगाया गया है, इसको भी अगर आपके पास कोई अच्छा सा फूल है, गुलदस्ता है, तो उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके यहाँ सरस्वती माँ का इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी अगर यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ इसको हटाकर कोई और सरस्वती माँ का इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नीचे यहाँ पर फूल दिया गया है, तो इसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हटा कर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे इसको शेप को यहाँ पर रोटेट करके यहाँ पर लगा लीजिएगा, और इस शेप को यहाँ से हटा कर यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो आपको मन मुताबिक जिसके हिसाब से आपको बनाना है वहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाने के बाद से इसको क्या करना है कि यहाँ पे जो शेप देख रहे हैं शेप इमेज का, यहाँ पे शेप इमेज पर क्या करना है कि आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर उसके बाद शेप इमेज आपको सामने यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर शेप इमेज पर क्लिक करना है,
और उसके बाद यहाँ पर देखना है फॉर्मेट दिया, इमेज फॉर्मेट पर क्लिक करना है, इसको पीएनजी कर लेना है, कस्टम पर क्लिक करना है, कस्टम के यहाँ पर अल्ट्रा या वेरीफाई या हाई कर लेना अपने अकॉर्डिंग जो भी करके सेव टू गैलरी कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। आपको बता दें कि इसको भी चेंज करने के लिए यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ डिजाइनिंग है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप है, जो भी चाहते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ एडिट कर सकते हैं। तो अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तो टेक यू एंड बाय।